सब लोग इस जहाज पे बोटिंग में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, मैं वीडियोग्राफी करने जा रहा हूँ। यहाँ से बेलूर मठ जाने वाला हूँ, ये दक्षिणेश्वर फेरी घाट, दक्षिणेश्वर फेरी घाट से इस बोट से मैं बेलूर मठ जाने वाला हूँ। ऊपर जो है दक्षिणेश्वर ब्रिज है, पाली से दक्षिणेश्वर ब्रिज के ऊपर लुकर ट्रेन दौड़ती हुई, देखिए सब लोग आ रहे हैं। अब देखिए इस गाड़ी की कैपेसिटी 200 आदमी की तो होगी, कम से कम 100 से 200 आदमी तो होगी। दूर दक्षिणेश्वर मंदिर है, अगर आप देख सको तो देख लीजिए, दूर देखिए दक्षिणेश्वर मंदिर है, अगर आपको दिखती है तो देख लीजिए। इस बोट में भी बिजनेस करते हुए लोग, बोटिंग में बिजनेस कर रहे हैं। आज के दिन का ये लास्ट दक्षिणेश्वर घाट से लास्ट बोट है, स्टीमर बोट लास्ट है। अब फिर नेक्स्ट कल सवेरे 8 बजे से स्टार्ट होगी। सब लोग मस्ती मूड में है, सब लोग मस्ती के मूड में। बोटिंग का टिकट मेरे को सिर्फ 11 रुपये, 11 रुपीज़ लगा, 11 रुपये, 11 रुपीज़ लगा। अब हम लोग बेलूर घाट की तरफ जाने जा रहे हैं। ऊपर का जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज है दक्षिणेश्वर से ये बाली स्टेशन की ओर जाते हुए, लोकल ट्रेन चलती है, लोकल ट्रेन ये सब ट्रेन मैक्सिमम लोकल ट्रेन चलती है, इसे पैदल आदमी जा सकते हैं, ब्रिज से गाड़ी व्हीकल सब जा सकती है, बहुत बड़ा ब्रिज है। ये वही घाट है जहाँ से हम लोग चढ़े थे, उसको छोड़ के हम बहुत दूर आ चुके हैं। मेरे को मोबाइल को बचा के और सब कुछ बचा के मेरे को फोटोग्राफी की वीडियोग्राफी करनी है। कैसा लग रहा है आपको, आप बोलिएगा। 2-4 दिन पहले मैंने विशाखापट्टनम के फिशिंग हार्बर में मैं बोटिंग नहीं कर पाया था, तो मैं प्रॉमिस किया था कि मैं आपको गंगा नदी के ऊपर बोटिंग करके दिखाऊंगा, तो वही गंगा नदी के ऊपर हम लोग बोटिंग करते हैं। बिजनेसमैन अपना थोड़ा सामान बेच के बिजनेस करते थे। गंगा नदी के पानी को देखिए, गंगा नदी के पानी को देखिए, बीच में है, गंगा नदी के बीच में। अब आपको लग रहा है ना हम लोग गंगा नदी के बीच में है, देखिए उधर भी बहुत दूरी है, गंगा नदी सेंटर में है, और इधर इधर इस तरफ से भी देखिए गंगा नदी बहुत दूर में है। बेलूर पोर्ट से जो गाड़ी, जो बोट अभी आपको दिख रहा है ना, एक बड़ा बोट दिख रहा है ना आपको, देखिए थोड़ा एनलार्ज करके दिखाते हैं। ये बेलूर मठ से चला है, ये दक्षिणेश्वर घाट की ओर, फेरी घाट की ओर जाने वाला है। मैं इसे उल्टा बोट में बैठ के मैं जो हूँ दक्षिणेश्वर फेरी घाट से बेलूर मठ की ओर जा रहा हूँ। ये लास्ट बोट आज के दिन का दक्षिणेश्वर मंदिर आपको दिखाई देगा। चलिए मैं थोड़ा एनलार्ज करता हूँ, एनलार्ज करके दिखाता हूँ आपको दक्षिणेश्वर मंदिर के जो स्ट्रक्चर है, मंदिर के ढांचे हैं पूरा दिखाई दे रहा है, लाल लाल पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये दक्षिणेश्वर मंदिर का है। तो अभी आपको एनलार्ज करके दिखाया, आपको अच्छा लग रहा है। मैं दक्षिणेश्वर मंदिर की जो फेरी घाट है ना, वहाँ पर उतर जाऊँगा, आज मेरी यात्रा ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए आपको प्रदीप्ता ब्लॉगर चैनल से अगर ये चैनल का जो यात्रा है आपको पसंद आए तो इसको आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मैं ऐसे घूमने घामने वाला अच्छा अच्छा वीडियो दिखाता रहता हूँ। अब देखिए दक्षिणेश्वर मंदिर के सारे एक एक मंदिर, बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर, सब मंदिर दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं लॉन्च करके दिखाया थोड़ा। मैं आप लोग घाट के किनारे पहुँचने वाले हैं, वो देखिए घाट सामने आने वाला है, उसको देखिए। इसी घाट में हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। पुल दिखता है ना, ये पुल, इसी पुल के ऊपर, ये जो ब्रिज है ना, इसी पुल के ऊपर हम लोग उतर जाएंगे, यहीं से उतरेंगे। ये चढ़े थे बेलूर मठ घाट, फेरी घाट में इसी पुल से उतर के हम लोग मेन रोड में चले आएंगे, मंदिर के रोड में चले आएंगे। सामने देखिए पुल आ रही है, ये बोट में लोग जो पैसेंजर वापस जाएंगे लाइन से खड़े हुए हैं, और हम लोग जो है यहाँ से उतरेंगे। पहले हम उतरने वाले को पहले
उतरने दिया जाएगा, उसको चढ़ने, उसके बाद चढ़ने वाले को चढ़ने दिया जाएगा, यही है। अब देखिए इधर से देखिए, दक्षिणेश्वर मंदिर आपको साफ साफ दिखाई, दक्षिण मंदिर से आपको बहुत अच्छी तरह दिखाई देगी। देखिए आप, अब हम जो इस घाट से उतरने वाले हैं, देखिए आप, है ना, देखिए आप एक बार पूरा पैसेंजर, जितने भी लोग एंजॉय मूड में हैं सबको देखिए। प्रदीप्ता ब्लॉगर चैनल ने एक अनूठा चीज़ दिखाया आपको, इसलिए आप मेरे चैनल को पहले लाइक कर दीजिएगा, उसका सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पब्लिक देखिए बोट से बाहर निकलते हुए, भाई मैं भी निकलने वाला हूँ। मेरे जो ये घूमने घूमने वाला वीडियो अच्छा लगा होगा प्रदीप्ता ब्लॉगर का, तो उसको चैनल को आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एक बार प्रदीप्ता ब्लॉगर चैनल को आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है।